हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीजान ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम लिंक क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल के कस्टम लिंक और सिंपल लिंक में बहुत ही फ़र्क है। सिंपल लिंक वो है जो कि आप जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आपका ऑटोमेटिकली एक सिंपल सा एक लिंक क्रिएट हो जाता है जो कि आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर करके आप उसे कह सकते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वो एक होता है सिंपल लिंक, और कस्टम लिंक बाद में बनाया जाता है जो कि आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। कस्टम लिंक अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाने के लिए आपको चार रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, आपके 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। सेकंड, आपके जो यूट्यूब आइकन लगी होनी चाहिए और यूट्यूब चैनल आर लगा होना चाहिए। एंड थर्ड, आपका यूट्यूब चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, यानी आपके यूट्यूब चैनल को 30 दिन बने हुए हो जाने चाहिए। तो उसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे भी बना सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए, और वो भी बहुत आसान है। सिंपल लिंक में ये होता है कि उसमें आप बहुत सी स्लैशेस आ जाती हैं, अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, और बहुत सी HTTPS, वो बहुत ही लंबा हो जाता है सिंपल लिंक। कस्टम लिंक ये है कि उसमें सिर्फ आपको www YouTube और अगर आप आगे आपके चैनल का नाम हो जाएगा। तो मैं आपको पहले अपने चैनल का जो सिंपली लिंक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने क्रोम को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक। आपको पहले youtube.com सर्च करना होगा, और जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको इधर साइन इन करना होगा अपने YouTube चैनल। अब बाद में आपके पास आपकी जो YouTube आइकन भी आ जाएगी। अब आपको करना है कि अब आपको इसे डेस्कटॉप साइज़ पे ले आना है। डेस्कटॉप साइज़ पे लगाने के लिए आपको सिंपली टॉप में राइट साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, और इधर आएगा डेस्कटॉप साइज़, और साथ एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको आपको चिक मार कर देना है। करेंगे तो जैसे आपके पास कंप्यूटर में आपकी YouTube ओपन होती है, वैसे ही आपके पास YouTube ओपन हो जाएगी। तो इधर आपको अब करना ये है कि आपको अपने चैनल को ओपन कर लेना है। तो अब अपने चैनल को ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऊपर लिंक आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है, HTTPS आगे डॉट्स हैं /www। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा आपका YouTube चैनल का लिंक। ये सिंपल लिंक है जो कि आप अगर इसे आप कॉपी करें, ये देखिए मैंने लिंक कॉपी कर लिया, ये देखिए यूआरएल लिंक कॉपीड, ये मेरा लिंक कॉपी हो गया। अब मैं इसे किसी सिंपल जगह पे आपको लगा कर दिखाता हूँ कि ये लिंक कितना लंबा है। आपको मैं इसे सिंपली इसे पेस्ट करूँगा तो देखें ये लिंक कितना लंबा लिंक हो गया है। आप इतना लंबा लिंक है और आप इसे याद नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है इसे याद करना। तो मैं इसे सर्च करूँगा तो मेरा सिंपली यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। देखें यूट्यूब चैनल मेरा ओपन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप ये अपने YouTube चैनल के लिए एक कस्टम लिंक क्रिएट करें तो आपको इस वीडियो फ्यूज लेके एंड तक देखनी है। सो फ्रेंड्स, कस्टम लिंक बनाने के लिए आपको करना यह कि आपको सिंपली से बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद सबसे पहले मैं करना यह कि मैं जो अपनी YouTube है उसे डिसेबल कर देना है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको अपने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको सिंपली YouTube पर टैप करना है, एंड देन इसे डिसेबल कर देना है। डिसेबल कर देने के बाद अब आपको सिंपली बैक कर देना है। अब आपको अपनी क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली सर्च बार में टाइप करना है youtube.com, एंड देन सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास आपकी YouTube ओपन हो जाएगी। अब आपको करना है कि टॉप में राइट साइड पे क्रोम के 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हुए डेस्कटॉप साइज पर क्लिक करना है। अब आपके पास आपके PC वाली जो YouTube है वो ओपन हो गई है। अब आपको करना यह है कि आपको इधर सिंपली जूम करना है। जूम कर लेने के बाद आपको अपने चैनल आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको पास है नीचे सेटिंग्स, लोकेशन के नीचे सेटिंग्स पे आपको टैप कर लेना है। तो टैप करेंगे तो इसे जूम आउट करके देखें आप, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इधर आपको जूम करना है और इधर आपका चैनल आ रहा है अलीजान ऑफिशियल। तो इधर आपके पास नीचे फर्स्ट में है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। चैनल स्टेटस एंड फीचर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास आपके यूट्यूब चैनल की जो अल्ट्रा सेटिंग्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। मतलब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी।
तो इधर आपके पास मोनिटाइजेशन की भी सेटिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं कि नहीं, इधर आपके पास पता चल जाएगा। इधर आपकी जो कॉपीराइट्स क्लेम्स हैं वो भी आपके पास पता चल जाएंगे कि आपकी वीडियो चैनल पर कितने कॉपीराइट क्लेम आ गए हैं। तो इससे आप अगर जूम करके एंड पे देखेंगे तो आपके पास आएगा कस्टम यूआरएल, यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर। मतलब आप मेरे 100 सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर हैं आपके, इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले भी बता दी है, 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके यूट्यूब का बैनर लगा होना चाहिए, आर्ट लगा होना चाहिए और उसकी इकन लगी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपको यूट्यूब चैनल बने को 30 दिन हो जाने चाहिए। तो मेरे चैनल की ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं पूरी हैं, तो आपको सिंपली हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेयर पे क्लिक करेंगे आपके पास अगेन एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इधर से जूम करना है और आपके पास है थर्ड नंबर पर ये यूज़र आईडी, चैनल आईडी एंड देन कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल आपके पास है थर्ड नंबर पर, आपको इसे सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो टैप करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, गेट कस्टम यूआरएल हेयर हेयर शो यू विल लुक ऑन यूट्यूबर। अगर यूट्यूब इधर आपके पास आपका कस्टम यूआरएल आ गया, मतलब ये देखें आप, आपका कस्टम यूआरएल ये है ये। अब आपको कोई भी आपको इतना लंबा आपको यूआरएल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली ऐसे ही करना है www.youtube.com/c/alijanofficial सर्च करेंगे तो आपके पास जो आपका चैनल सिंपली ओपन हो जाएगा। तो इधर आपको आई हैव रीड एंड एग्री ऑल दी कस्टम यूआरएल, इस पर क्लिक कर देना है एंड चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देना है एंड देन कंफर्म चॉइस पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब मेरे YouTube चैनल के लिए एक कस्टम लिंक क्रिएट हो चुका है। आप भी अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और शेयर करने के लिए आपको सिंपली अपने YouTube चैनल पर नहीं आना पड़ेगा, उसे कॉपी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली टाइप करना है www.youtube.com/c/ अगर आपके YouTube चैनल का नाम लिखना है एंड देन सर्च कर देना तो आपका YouTube चैनल सिंपली ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद आपको सिंपली इस टैब बार में सर्च करना है www.youtube.com/ डाल के आपको सी टाइप करना है एंड देन आपको अपने YouTube चैनल का नाम सर्च लिखना है। तो आपको YouTube चैनल का नाम ऐसे लिख देने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास डायरेक्टली आपके पास जो आपका YouTube चैनल है ओपन हो जाएगा। तो मेरा भी वैसे YouTube चैनल सिंपली ओपन हो गया। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास डायरेक्टली आपका YouTube चैनल ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कस्टम URL कितना आसान URL है। ये जो URL है आप क्रिएट करेंगे, आपका भी URL ऐसे ही होगा, सिर्फ आपके YouTube चैनल का नाम चेंज होगा। फ्रंट पे आपके पास ऐसे ही हो गया www.youtube.com/c/ आगे आपके YouTube चैनल का नाम होगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल अलीजान ऑफिशियल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।